रीहीट करने के बाद पहले स्टार्ट कर दीजिए अपना, वो एक मिनट कुछ सेकंड लेगा, आपका पूरा गर्म कर देगा अंदर में, 200 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। उसके बाद केक डालने, उसके बाद खोल के केक डालिए, जो टाइम पूरा लेगा, ठीक है, टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद करना है कॉन्वेक्शन केक बनाने के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्शन पे 10 मिनट देना है, 10 मिनट देकर स्टार्ट कर देना है, कॉन्वेक्शन चलेगा, ऊपर चक्की चला, इससे केक बनता है, कॉन्वेक्शन पे केक, ठीक है, केक बनेगा तो कन्वेक्शन करेंगे तो चलने लगा चक्री। हाँ, ऊपर का चक्री, हीटर ऑन होगा और हवा को घुमाएगा, कॉन्वेक्शन पे केक बनता है, ठीक है। उसके बाद चर्चर काम आ रहा है, रिले छोड़ेगा, फिर उसके बाद आता है क्या चीज़ कि ये बनाना, चिकन बनाने के लिए माइक्रो प्लस ग्रिल दाबना पड़ेगा, ठीक है, C1 की, अगर चिकन दम C1 हो गया, फिर C2, C3, C1, C2 है, C1 क्या 110 डिग्री, C2 C1 के पहले स्टार्ट कर लेते, टाइम दिए 10 मिनट, स्टार्ट, दस मिनट देकर टाइम बढ़ जाता, ठीक है। ये हो गया चिकन बनाने के लिए माइक्रो ग्रिल। माइक्रो कन्वेक्शन के तब यूज़ करना है जब ये करना है, क्या कहते हैं, बैगन का भरता वगैरह बनाना, तब वहाँ माइक्रो और कन्वेक्शन यूज होगा, कन्वेक्शन से केक बने। ग्रिल सिर्फ यूज होगा किस चीज़ के लिए, लिट्टी बनाने के लिए या पिज़्ज़ा बनाने के लिए, पापड़, हाँ नहीं पापड़ नहीं, पापड़ माइक्रो पे भी बन जाता है। ग्रिल का यूज़ सिर्फ तब होता है जब कोई चीज़ सेका जाता है, मैंने ऊपर से लाल किया जाता है, तो ग्रिल इसलिए किया जाता है ताकि माइक्रो प्लस ग्रिल के, इसलिए चिकन को बनाते हुए उसको लाल करने के लिए, ग्रिल से करने से ये होगा कि पिज़्ज़ा पूरा गल जाएगा, ठीक है ना, इसलिए पिज़्ज़ा के लिए सिर्फ ग्रिल। ये माइक्रो लेवल हो गया 90, 80, 70, माइक्रो का कितना पावर हो गया 90 तक हाई पावर है इसका। माइक्रोवेव का पावर बढ़ाने के लिए, माइक्रोवेव पावर लेवल। अब मुझे डिफ्रोस्ट क्यों होता है, डिफ्रोस्ट करके डिफ्रोस्ट बटन दाब दिए। डिफ्रोस्ट से क्या होता है, डिफ्रोस्ट से होता है जैसे फ्रिज में से कोई चीज़ लगा ले, उसको गर्म नहीं करना, उसको उसका एक्चुअल टेम्परेचर पे लाना, यानी बर्फ़ को गलाना, दूध जैसे उसको डिफ्रोस्ट करना है, फ्रिज में से निकाले और कोई चिकन ही है, मीट हो गया जैसे निकला, फ्रिज में तो जमा हुआ तो डायरेक्ट पकेगा नहीं, उसको अंदर डाल दो डिफ्रोस्ट के लिए, 10 मिनट डिफ्रोस्ट पर दे दो, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये सब का है जी, चलिए भाई तोड़ो ही मिले, तुम जाओ ना, तुम करो काम, ठीक है, जहाँ देखो ज़्यादा जैसे अभी हम लोग स्टॉप करते हैं ना, जैसे हम लोग स्टार्ट मारते हैं, एक बार मारे, दो बार मारे, तीन बार टाइम बढ़, तो यहाँ स्टार्ट नहीं, एक्सप्रेस कुकिंग, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट तक माइक्रोवेव ऑन होगा, सब में स्टार्ट मारा जाता है ना, तो टाइम बढ़ता है, यहाँ स्टार्ट को दाबने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए एक्सप्रेस कुक में होगा, वहाँ जाके पार्टी को बस ये दाब के दिखला देना, देखिए गर्म हो रहा है ना आपका। आखिर बोले बोला है मुर्गा बनाने के लिए, कैसे मराएंगे मुर्गा बनाने के लिए, बोले मुर्गा को अंदर रख दीजिए, तेल उल लगा के, सारा मसाला लगा के, ठीक है, माइक्रो प्लस ग्रिल में जाइए C1 पर, उसके बाद टाइम 10 मिनट टाइम दे दिए, बढ़ा दो 20 मिनट, 10 मिनट में मुर्गा कभी नहीं बनेगा, 20 मिनट, अब बस स्टार्ट कर दीजिए, मुर्गा बनने लगेगा। हाँ, माइक्रो चिल दाब करके 20 मिनट सेट कर देंगे, उसका रिस्टार्ट कर देंगे, हम बना कि नहीं बना चेक करने के लिए स्टॉप करके देख भी सकते हैं ना। हाँ, ये साने भाई हमको बता, फिर स्टार्ट कर देंगे, फिर स्टार्ट, स्टॉप कर दिया। हाँ, सॉरी स्टार्ट माना चाहिए। केक बनाने के लिए माइक्रो कन्वेक्शन यूज करना, ठीक है, और ये सब क्या दिया भैया, ये सब रीहीट, यानी अंदर को हीट करने के लिए, अंदर में मान लो कुछ नहीं है,
रीहीट हो गया 200 डिग्री के लिए, 200 डिग्री। अब कितना टाइम लेगा वो प्रोग्राम से सेट है, बस 1 मिनट 30 सेकंड अंदर पूरा गर्म हो जाएगा। रीहीट करके ही सामान डालना चाहिए। स्टॉप। अब हो गया डेजर्ट। डेजर्ट में आता खीर। बोला है खीर के डेजर्ट में खीर आता है। हाँ डेजर्ट टिप के 10 मिनट का सेट कर देंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सब में कुछ भी है तो अपने आप उलेगा। अच्छा डेजर्ट टिप के स्टार्ट कर देंगे। तंदूरी चिकन अगर बनाना है तो सीधा बोलना, तंदूरी डालिए और बस स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ तो इस समय जितना है वो टिपेंगे डायरेक्ट स्टार्ट मार देंगे। हाँ चलो तो चिकन बनाने के लिए इसको दिखा देना, ठीक है। मसाला पनीर के लिए इसके दिखा देना, इसी तरह।